नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। जब किसी देश का किसी देश के साथ विवाद होता है तो बीच में हाथ साफ करने वाले लोग जरूर आते हैं। अभी आपने रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी देखा, लगातार कई देश हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त भी जब भारत के भीतर मुस्लिम समुदाय को ठेस पहुंचाई गई नुपुर शर्मा द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता द्वारा, तो इस्लामिक देश है जो और खाली देश है उसमें अधिकतर वह भारत के खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से नुपुर शर्मा ने माफी भी मांगी, अपने बयान को वापस लिया और बीजेपी ने उसे पार्टी से सस्पेंड कर दिया। इस पर नीदरलैंड के सांसद हैं गिर्ट विल्डर्स, उनका बयान सुनिए। गिर्ट विल्डर्स ने कहा है कि माफी मांगने की क्या आवश्यकता थी, नुपुर शर्मा को निष्कासित करने की क्या आवश्यकता थी, उसने जो भी कहा है सही कहा है, तुष्टिकरण की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती। ये देखिए, ये हाथ साफ करने वाले नेता हैं। भारत के भीतर चाहे हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया जाए या मुस्लिम धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया जाए या फिर किसी भी धर्म के साथ इस तरह की हरकत होती है तो यहां बवाल होता है। आपने किसान आंदोलन के दौरान देखा कि सिख समुदाय की बेहुर्मती कर दी गई थी तो उसको जान से मार दिया था, सिख समुदाय के लोगों ने जो निहांग होते हैं, जान से मार दिया था उस व्यक्ति को, आपको याद होगा यदि भूले ना हो, किसान आंदोलन के दौरान। तो जान से मारना गलत है, आगजनी या तोड़फोड़ करना भी गलत है, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जब एक्शन नहीं होगा तो विरोध मार्च भी निकाला जाएगा और वो जितने दिन तक भी चलाया जाए चलता रहेगा, यह संवैधानिक अधिकार है। लेकिन यहां पर इस तरह के नेता, जैसे नीदरलैंड के नेता हैं, ये सांसद हैं गिर्ट विल्डर्स, यह देश का सौहार्द बिगाड़ने का कार्य करते हैं। वह चाहते हैं कि अरब देशों के बीच और भारत के बीच एक विवाद हो जाए, इस विवाद से यूरोपीय देश, अमेरिकी देश फायदा उठा सकें, यह चाहते हैं वे। अभी मौजूदा समय में आपने देखा, जब रूस के साथ भारत खड़ा था तो अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से भारत पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सका, लेकिन एक टीस रह जाती है कि आखिर भारत ने हमारी बात क्यों नहीं मानी। और तमाम वह देश जो अमेरिकी नुमाइंदे हैं, जो अमेरिका के साथ खड़े रहते हैं, वह भी यह सोच रहे हैं कि अब भारत को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। यह उसका एक हथकंडा है बिल्कुल, कि अरब देशों से भारत को दूर कर दिया जाए, वह तेल के लिए केवल रूस पर निर्भर रह जाएगा। यह एक बहुत बड़ी चाल है, लेकिन भारत में काफी लोग खुश हो रहे हैं इस सांसद का बयान सुनकर कि देखो कितनी सही बात कही है उसने। बिल्कुल भी सही बात नहीं कही है, बल्कि भारत के लिए गड्ढा तैयार करा जा रहा है। और अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल वर्ल्ड है, यहां एक देश दूसरे देश के बगैर नहीं रह सकता। जिस तरह के व्यापारिक संबंध हैं, आप किसी को नकार नहीं सकते, चाहे वह अरब देशों से भारत को फायदा हो या भारत से अरब देशों को फायदा हो, अनाज और फलों को लेकर सब एक दूसरे पर निर्भर है। हाँ, बस यह एक यहाँ पर बात हो जाती है, कोई ज्यादा निर्भर है कोई कम निर्भर है, लेकिन सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। उस निर्भरता को खत्म करके भारत को अलग थलग करना चाहता है नीदरलैंड और इसके यह सांसद, क्योंकि यह तब से भारत से एकदम चिढ़े हुए हैं जब से वह रूस के खिलाफ उसने वोटिंग नहीं की। इस संबंध में आपको क्या लगता है, क्या गिर्ट विल्डर्स वाकई में भारत को सही सलाह दे रहे हैं या वाकई में भारत के लिए गड्ढा खोदने की तैयारी कर रहे हैं? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।